सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बी चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने बुधवार को इन पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जातीय गणना को लेकर पटना हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा था कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि इसलिए भी जातीय गणना जरूरी है। बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की बीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया। मंडल आयोग के सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं। पिछली साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी मानी जाती है कि जातिगत जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग को गठन करने की मांग हो सकती है। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।